ट्रिगोनोमेट्री सेक्टर से एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 10 का होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो हमें साइन ए कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल हमने ऐसे इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि राइट एंगल एट बी, ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल है और इस एंगल को हम नाम दे देंगे बी। तो ए इधर दे देंगे सी, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें और कुछ वैल्यू दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इधर पुट कर देना है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इधर पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। इसमें जो ए सी है, ए सी का वैल्यू अभी तक दिया नहीं है। तो हमें क्या फाइन करना है, साइन ए। क्वेश्चन वन में हमें फाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या आएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, पी बाई एच। कॉस ए का क्या आएगा, बी बाई एच। तो इसमें एच जो है, एच क्या है, एच होगा हाइपोटेनस, मतलब ये जो ए सी है, ए सी का वैल्यू हमें चाहिए, तभी हम साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी अगेंस्ट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ए सी स्क्वा इक्वल टू ए बी स्क्वा प्लस बी सी स्क्वा। इसमें बी सी एंड ए बी दोनों का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, ए सी का वैल्यू मिल जाएगा। ए सी का एक वैल्यू हमें मिल जाएगा, वो वैल्यू किसकी इक्वल होगा, हाइपोटेनस की इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हम इधर पुट करके साइन ए कॉस ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ए सी का वैल्यू निकालना चाहिए। तो हम ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन गिवन, पहले हम लिखेंगे गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। तो हम इधर लिखेंगे ए सी स्क्वा इक्वल टू ए बी स्क्वा प्लस बी सी स्क्वा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे हमें लिख देना है। अभी हम ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू इसमें 7 है तो 7 स्क्वायर कर देंगे, 24 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 576, एंड 7 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। तो ए सी स्क्वायर इधर हमें लिखना है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वा इक्वल टू 625 होगा, ए सी स्क्वा इक्वल टू 25 स्क्वा। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो ए सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 25। तो ए सी का वैल्यू इधर हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। तो ए सी का वैल्यू अभी हमें मिल गया है। तो इस ए सी का वैल्यू से हम साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू हम लिखेंगे पी बाय एच। तो ये जो एच है, एच इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। ये जो पी है, पी इक्वल टू क्या होगा, हमने इस एंगल को लिया है, ए एंगल को, इसका सामने जो आर्म होगा वही होगा पी, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो हम लिख देंगे बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है, 7। ए सी का वैल्यू हमने कितना निकाला, 25। जस्ट हमें लिख देना है 25। ऐसे करने से ही इसका आंसर हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू इधर हमने निकाल लिया है, अभी हम कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला होगा बी बाई एच, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसमें क्या है, ए सी है, ए सी लिख देंगे। बी, बी फॉर बेस होगा। तो इस ट्रायंगल में ए एंगल के लिए बेस कौन सा साइड होगा, उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। ये जो एंगल ए है, ए की जो ओपोजिट साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए की फ्रंट में जो आर्म होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये जो साइड है ये तो हाइपोटेनस है,
तो बाकी कौन सा साइड रह गया है, ये साइड रह गया है, ये साइड क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तो हम लिख देंगे ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 है एंड ए सी का वैल्यू हमने निकाला है 25, तो 24/25 आएगा कॉस ए का आंसर। तो ऐसे हमें इसका आंसर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन टू में साइन सी एंड कॉस सी दिया हुआ है, साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए भी हमें हाइपोटेनस मतलब ए सी का वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये क्वेश्चन टू का सॉल्यूशन हमने इधर ही कर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पहले करना पड़ेगा। उसके बाद इधर हमने जो फाइन किया है साइन ए, तो ए एंगल की जगह पर इधर आ जाएगा सी। साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, फॉर्मूला यहाँ तक सेम रहेगा, लेकिन इसमें पी जो हमने लिखा बी सी, इसमें पी इक्वल बी सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इस एंगल को लिया है मतलब इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है साइन सी, तो एंगल ये जब होगा इस एंगल का सामने का साइड कौन सा है ए, तो ए साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर, सामने का साइड ही परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसको हम ऑपोजिट साइड भी कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेनस है, तो इसीलिए ये जो साइड होगा सी एंगल के लिए ये साइड बेस बन जाएगा। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो अभी हम ये जो P है, P का वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब P की अगेंस्ट एक अलग वैल्यू हमें मिलेगा, तो यहाँ तक सेम रहेगा। तो P अगेंस्ट हमें AB मिलेगा, H जो है H चेंजेस नहीं होगा, AC ही रहेगा। AB इक्वल टू वैल्यू 24 दिया हुआ है, AC का वैल्यू हमने निकाला है 25, ये बनेगा साइन C का आंसर। अगेन अगर हम कॉस C का आंसर निकालना चाहें तो ये जो एंगल है कॉस ए, इधर हम पुट कर देंगे कॉस सी, तो इसमें ये जो फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, ये जो फॉर्मूला है बी बाई एच, ये रहेगा। लेकिन बी का वैल्यू अभी इसमें चेंज हो जाएगा, बी क्या बनेगा, बी सी बनेगा, बी सी एंड एच चेंज नहीं होगा, ए सी ही एच होगा। तो एच की जगह पर हम लिख देंगे 25 एंड बी सी की जगह पर हम लिख देंगे 7, तो ये बनेगा कॉस सी का आंसर। क्वेश्चन टू का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन टू में ये दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 फाइन 10p माइनस कॉट आर। बहुत ही सिंपल है, 10p के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 10p के लिए फॉर्मूला आएगा p बाय बी, कॉट आर के लिए फॉर्मूला आएगा b बाय पी। मतलब 10 का जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है वो क्या है, p बाय बी है, एंड कॉट का जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है वो क्या है, बी बाई पी है। तो अगर हम फिगर को देखेंगे, फिगर में दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तीसरे साइड का वैल्यू नहीं है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये जो क्यू एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इस एंगल का ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेनस होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसीलिए हम इसका जो तीसरा साइड है इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस साइड का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी से निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम ट्रायंगल PQR से हमें क्या मिलेगा, PQR से हमें मिलेगा PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वा प्लस पी क्यू स्क्वा। तो PR का वैल्यू इधर है, PR का वैल्यू 13, तो 13 स्क्वा हम लिख देंगे। QR का वैल्यू इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे QR स्क्वा प्लस PQ का वैल्यू है 12, स्क्वा कर देंगे। 13 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। 12 को जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 144। आप लोग चाहे तो एक लाइन लिखकर बाद में भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट 169 माइनस कर देंगे, इसको इधर लाएंगे, 144 माइनस QR स्क्वा। 169 से 144 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू रहेगा 25 इक्वल टू QR स्क्वा। हमें QR का वैल्यू चाहिए, QR स्क्वा का वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको हम 5 स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लिखेंगे QR स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर को इलिमिनेट कर देंगे मतलब रिमूव कर देंगे तो 5 इक्वल टू QR रहेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इक्वल टू QR, तो QR इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5।
तो QR का वैल्यू हमें मिल गया है, इधर वैल्यू मिल गया है 5। तो नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे, tan P माइनस cot R। tan P की अगेंस्ट हम लिख सकते हैं P by B, माइनस cot R की अगेंस्ट लिख सकते हैं B by P। तो ये जो P है, अगर हम P एंगल को लेंगे, इसका जो सामने जो साइड रहेगा ये P एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस कन्फर्म है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड क्या बन जाएगा, ये साइड बेस बन जाएगा। तो P हमें मिल गया है QR, तो इधर हम लिखेंगे QR और बेस क्या मिलेगा PR, PQ माइनस B हमें cot R एंगल के लिए चाहिए, तब हम cot R एंगल मतलब इस एंगल को लेंगे, इस एंगल का सामने जो साइड रहेगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है, तो ये साइड क्या बन जाएगा, R एंगल के लिए बेस बन जाएगा। तो बेस क्या होगा, QR हो जाएगा। एंड इसमें जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा, PQ। तो अभी हमें जस्ट वैल्यू को पुट कर देना है, QR का वैल्यू कितना मिला हमें 5 और PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है 12 माइनस QR का वैल्यू इधर हमने निकाला है 5, तो PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है 12। तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये इम्प्लाइज नहीं होगा इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा।